हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट रहता है एचपी ई डिस्ट्रिक्ट पे। जो एचपी ई डिस्ट्रिक्ट पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो उसके लिए एक फॉर्मेट रहता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप सभी बार बार कमेंट कर रहे थे जो कि मैंने वीडियोज बनाई थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आप एचपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा कैसे ऑनलाइन बना सकते हो अपने मोबाइल फोन के द्वारा। वो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई, HP eDistrict ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स करके वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो वन बाई वन कि जैसे आपका हिमाचल बोनाफाइड है, इनकम सर्टिफिकेट है, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे बना सकते हो ऑनलाइन गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया टू द तहसीलदार सब डिवीजन सोलन। तो आपकी जो भी सब डिवीजन या डिवीजन है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना रहता है। सब्जेक्ट में ये कंप्लीट जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये मैंने खुद भी फॉलो किया है और खुद भी सारे डॉक्यूमेंट एचपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा मैंने बनाए हुए गाइस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर इनकम सर्टिफिकेट या फिर लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट या फिर लैंडलेस सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्पेक्टेड सर मैम लिख के आई विश टू स्टेट दैट, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा, आई एम खेम सिंह एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश, वैसे ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपना। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट। जैसे लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उसमें आपने लिखना है कि जो मेरे पास लैंड है, जो भी मैंने लैंड डिटेल्स उसमें अटैच की है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, वही जो जमीन है हमारे पास वही है, उसके अलावा कोई और जमीन नहीं है। और आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, जैसे कि HPSSC में डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तो आप रीजन मेंशन कर दीजिएगा कि आई नीड दैट सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। वो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट बनाना है जैसे इनकम HP बोनाफाइड जिस भी पर्पज के लिए चाहिए होगा वो वहाँ पे मेंशन कर देना है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट में लाइन जरूर लिखिएगा, इफ एनी ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट आई शैल बी लाइबल फॉर दैट। क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन में आप एक डिक्लेरेशन देते हो कि जो भी मैंने इस एप्लीकेशन में लिखा है या जो भी मैंने इस सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा और एप्लीकेशन नंबर जिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, और अपने सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ एक साइन कर दीजिएगा गाइज। उसके बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बन के मिल जाएगा जैसे आप उसकी फीस पे करते हो गाइज। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट जो मैं फॉलो करता था वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको वही डालना है, आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कोई भी इशू आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन लिखने में तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिएगा गाइज। बाकी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। Thank you for watching this video, guys.